नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर ज्योतिष की और शास्त्रों की सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप कभी हम पर विश्वास न करें, शास्त्रों की चर्चा भी कीजिए। शास्त्रों के जो प्रमाण है वही हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। अभी की वीडियो में हम जानेंगे फरवरी के महीने में कितने शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं और किस चीज के प्राप्त हो रहे हैं। एक सूची हमने तैयार की है कि इस वीडियो में हम इतने मुहूर्त देने का प्रयास करेंगे। तो कौन कौन से मुहूर्त आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे? सबसे पहला है विवाह संस्कार का मुहूर्त, दूसरा है उपनयन संस्कार का मुहूर्त, वधु प्रवेश का मुहूर्त, द्विरागमन का मुहूर्त, सीमंतोन्नयन जिसे सूती का स्नान भी कहते हैं उस विषय का मुहूर्त, वाहन खरीदने का मुहूर्त और व्यापार करने का मुहूर्त, विद्यारंभ करने का मुहूर्त। नया मकान बना रहे हैं तो उसका नींव पूजन करें तो नींव पूजन का मुहूर्त भी दे रहे हैं अगर है तो, नए घर में प्रवेश करने का मुहूर्त और मकान इत्यादि निर्माण होने पर या फिर मंदिर निर्माण होने पर देव प्रतिष्ठा कार्य किया जाता है। देव प्रतिष्ठा, तालाब इत्यादि बना रहे हैं या फिर आराम गृह बना रहे हैं, विश्राम गृह, तो उसका मुहूर्त। इन सभी मुहूर्तों की चर्चा, जितने भी प्रचलित मुहूर्त है हमारे समाज में, उन सभी मुहूर्तों का विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में अवश्य बने रहे। अगर आप हमारे चैनल की पहली बार मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी शास्त्रीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्रतिभाव कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 2021 के इन सभी मुहूर्तों के विषय में। सबसे पहले चर्चा करें तो फरवरी के महीने में 16 जनवरी 2021 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक गुरु महाराज है वह अस्त के हो रहे हैं और उसके तुरंत बाद 14 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल 2021 तक शुक्र महाराज अस्त के हो रहे हैं। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ मुहूर्त इस समय नहीं होता है। तो कब शुक्र गुरु और शुक्र जब अस्त के हों उस समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, अगर यह आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक हमने दिया हुआ है, उसमें पूरी सूची हमने आपको बताई है कि कौन से कार्य आप गुरु शुक्र अस्त में नहीं कर सकते और कौन से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि विवाह इत्यादि संस्कार है वह इसके मुहूर्त है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करें तो विवाह के मुहूर्त 2021 फरवरी के महीने में आपको एक भी देखने नहीं मिलेगा। दूसरा है वधु प्रवेश का मुहूर्त। अगर विवाह संस्कार नहीं होगा तो वधु का प्रवेश नहीं ही होगा, तो वधु प्रवेश का मुहूर्त भी नहीं है। द्विरागमन का मुहूर्त, विवाह के कुछ पश्चात 1 साल 3 साल कई प्रांतों में अधिक होता है, कई प्रांतों में कम समय, वधु प्रवेश कराया जाता है, द्विरागमन, दूसरी बार कन्या को जब घर लाया जाए उसे द्विरागमन कहते हैं, उसका भी मुहूर्त फरवरी के महीने में आपको देखने नहीं मिलेगा। उपनयन संस्कार का मुहूर्त, वह भी फरवरी के महीने में उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि गुरु शुक्र का अस्त है इसलिए। आगे जाने तो मुंडन संस्कार है, कर्णवेध संस्कार है इत्यादि के मुहूर्त भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। आगे जलाशय, आराम गृह इत्यादि का निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसका भी शुभ मुहूर्त गुरु शुक्र अस्त में नहीं कर सकते इसलिए उपलब्ध नहीं होगा। अब जानते हैं क्या है तो दुकान व्यापार का मुहूर्त, अगर आप नई दुकान खोलना चाहते हैं, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मुहूर्त है उसकी चर्चा करें तो 3 फरवरी 2021 माघ कृष्ण षष्ठी तिथि और बुधवार, 22 फरवरी 2021 माघ शुक्ल दशमी तिथि और सोमवार, और तीसरा मुहूर्त है सबसे उत्तम जो तीन मुहूर्त है यह है 25 फरवरी 2021 माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि और गुरुवार, यह दुकान के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त बताए हैं। अब सीमंतोन्नयन संस्कार की बात करें तो मतलब जो सूती का स्नान भी जिसे कहा जाता है सीमंतोन्नयन का संस्कार, 4 फरवरी 2021 माघ कृष्ण सप्तमी तिथि गुरुवार, 7 फरवरी 2021 माघ कृष्ण दशमी तिथि रविवार, 9 फरवरी 2021 माघ कृष्ण त्रयोदशी तिथि मंगलवार,
14 फरवरी 2021 माघ शुक्ल तृतीया तिथि रविवार और आखिरी मुहूर्त है 16 फरवरी 2021 माघ शुक्ल पंचमी तिथि और मंगलवार। यह सबसे उत्तम जो मुहूर्त है वह बताए हैं। अब वाहन खरीदने के मुहूर्तों की चर्चा करें तो वाहन कब खरीदना चाहिए उसके विषय में एक विस्तृत चर्चा हमने की है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा, यह तो हम सिर्फ फरवरी की बात इस वीडियो में करेंगे, पर 2021 में पूरे साल में जितने भी वाहन खरीदने के मुहूर्त हैं उन सभी की चर्चा एक वीडियो में की है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी तक फरवरी के मुहूर्तों की चर्चा करते हैं। फरवरी में 3 फरवरी 2021 माघ कृष्ण षष्ठी तिथि बुधवार, 4 फरवरी 2021 माघ कृष्ण सप्तमी तिथि गुरुवार, 21 फरवरी 2021 माघ शुक्ल नवमी तिथि रविवार, 22 फरवरी 2021 माघ शुक्ल दशमी तिथि सोमवार, 24 फरवरी 2021 माघ शुक्ल द्वादशी तिथि बुधवार और 25 फरवरी 2021 माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि गुरुवार। यह वाहन खरीदने के सबसे उत्तम मुहूर्त बताए हैं। अब अबूझ मुहूर्तों की बात करें तो फरवरी के महीने में वसंत पंचमी का त्यौहार आता है। वसंत पंचमी का त्यौहार अबूझ मुहूर्त है, उसमें आपको तिथि नक्षत्र कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शुभ कार्य आप जो करना चाहे वह फरवरी के महीने में वसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। परंतु आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि विवाह इत्यादि का संस्कार है वह गुरु शुक्र के अस्त में कतई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो वसंत पंचमी का त्यौहार है वह अबूझ मुहूर्त है, उसमें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, परंतु गुरु शुक्र के अस्त होने के कारण उस दिन आप विवाह न करें तो ज्यादा श्रेयस्कर है। इसलिए विवाह उपनयन इत्यादि के जो अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, वधु प्रवेश है, द्विरागमन है, उनके मुहूर्त हमने इसीलिए नहीं बताए हैं क्योंकि गुरु शुक्र अस्त होने के कारण यह मुहूर्त उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ऐसी शास्त्रीय जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रतिभाव कमेंट करना न भूलें। अगर आप जन्म पत्रिका निर्माण करवाना चाहते हैं, वास्तु दोष का निराकरण चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी शास्त्रीय समस्या है उसका निराकरण चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। और वास्तु के विषय में एक बृहद श्रृंखला हमने शुरू की है, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो वास्तु टिप्स नाम का प्लेलिस्ट है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। उस पर आप वास्तु के विषय में A to Z पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक नई शास्त्रीय चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।